नमस्कार दोस्तों, आई एम भोपाल के फुर्सत पल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ भोपाल में जो नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, बहुत ही खास मेहमान है, क्योंकि स्टार भारत का एक शो है सूफियाना प्यार मेरा। जनरली मुस्लिम बैकग्राउंड पे बहुत सारे शोज, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन इतना ओपन जिसमें एक लड़की अपनी आवाज़ उठा रही है, शायद ये पहली बार इतना बोल्डली और इतना स्ट्रेस के साथ, इतना पावर के साथ एक शो में अपनी बात को रखा गया है। तो उन दोनों जो शो है जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, उनके कलाकार हमारे साथ हैं राजवीर सिंह और शाह। आइए हम उन दोनों से जानते हैं कि शो क्या है, क्योंकि शो तो ऑलरेडी चल रहा है, दोनों ऑलरेडी पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेस हैं, लेकिन ये शो में एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम राजवीर से जानते हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम कैरेक्टर निभा रहे हैं। जनरली एक्टर के लिए कोई भी कैरेक्टर मुस्लिम नहीं होता, टफ नहीं होता, लेकिन बेसिकली एक फिर भी उर्दू या उस लहजे या उस तहजीब को जानना ये इंपॉर्टेंट होता है। राजवीर बहुत बहुत स्वागत है भोपाल में आपका। थैंक यू सो मच। पहले मुझे बताइए कि जो कैरेक्टर है क्या है, उसके लिए क्या कुछ अलग से आपको कुछ करना पड़ा एज एन एक्टर? नहीं, अलग से तो कुछ नहीं करना पड़ा, ऐसा कुछ टफ कैरेक्टर तो था नहीं, अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, थोड़ा हल्का फुल्का चेंज करना पड़ा। जैसे रियल लाइफ में बहुत शांत रहता हूँ मैं, चुपचाप रहता हूँ, तो थोड़ा सा बातों नहीं बनाना पड़ा उसको, थोड़ा सा एक हल्का सा उसमें एक लीडरशिप जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी देनी पड़ी मुझे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को आके लीड करता है, तो वो उसके अलावा तो कोई ऐसा कुछ खास मतलब चेंज नहीं हुआ। मतलब राजवीर की लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है जो कैरेक्टर है? बहुत डिफरेंट है ये, क्योंकि एक शो है, एक अलग थीम पे है, जो कि आप खुद जानते हैं, आप इसमें एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। जनरली मुस्लिम फैमिली है, बहुत सारा बुरका पर्दा, एक बाउंडेशंस, लिमिटेशंस होती है, लेकिन शो में शायद कुछ अलग हट के कहने की कोशिश, किस तरीके से आप इसको कहना चाहेंगे शो को? देखिए, मुस्लिम फैमिली में ही नहीं, मेरे गाँव में भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पर भी पर्दा है, वहाँ पर भी औरतें घूंघट में निकलती हैं, तो ऐसा कुछ टाइपकास्ट नहीं करते इन चीज़ों को कि मुस्लिम फैमिलीज़ में ही बुरका है। अभी तक हम घूंघट से बाहर नहीं निकल पाए हैं गाँव में, मैं खुद के गाँव की बात बता रहा हूँ अपने की, तो अलग वे में बात की जाए तो कहानी अलग है, काफ़ी अलग कहानी है कि लड़का कनाडा से आया है, फिर भी उसको अपने रूट्स पता हैं, अपने बेसिक पता हैं, कि अपने धर्म के बारे में पता है, जिससे प्यार करता है उसको लेके बहुत बहुत पर्टिकुलर है वो। तो हैली आप बताइए, बिकॉज यू प्लेइंग अ डबल रोल आई थिंक, सो क्या, किस तरह, आई थिंक फर्स्ट टाइम यू प्लेड अ डबल रोल मे बी, सो क्या है ये कैरेक्टर और किस तरह इसके लिए, क्योंकि एक ही शो में दो अलग अलग स्क्रिप्ट पे, मतलब दो कैरेक्टर में काम करना, किस तरह चैलेंज रहा या इंटरेस्टिंग रहा या किस तरह आप उसको निभा रहे? ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग भी है, शुरुआत में बहुत था, क्योंकि कैरेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी था, दोनों किस तरह से एक दूसरे से कितनी अलग है वो सारी चीज़ें समझना अलग था, तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा था। अभी धीरे धीरे आपको कैरेक्टर समझ में आने लगते हैं, आपको उनकी पकड़ आ जाती है, सो बट हाँ, दोनों किरदार बहुत अलग है एक दूसरे से, कायनात जो है बहुत अलग लड़की है, सीधी सादी थी, अब फुल ऑन नेगेटिव हो चुकी है अपनी लाइफ में, और सल्तनत जो है वो बहुत ही पॉजिटिव लड़की है, अपने प्रिंसिपल्स को और प्यार को अपनी लाइफ में काफ़ी अहमियत देती है, फैमिली उसके लिए बहुत आगे आती है, और है काफ़ी मॉडर्न लड़की है, मॉडर्न ख्यालों वाली है, बट दोनों की जो क्वालिटीज़ है बहुत अलग है, सो ऑब्वियसली वो एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है कि आप कैसे ऑडियंस को बिलीव करवाते हो कि ये एक नहीं दो लड़कियां हैं। आज भी हम बात कर रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम फैमिली, एवरीवेयर। सो चूंकि एक कम्युनिटी को लेकर ये बेस्ड सीरियल है, तो एक आवाज़ उठा रहे हैं एक सिस्टम के खिलाफ, एक गलत बात, तो आपको क्या लगता है कि क्या लड़कियों को किस तरीके से आगे आना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए? इट्स नॉट अबाउट सिस्टम और किसी एक चीज़ को हम फोकस नहीं करते हैं, ये इन जनरल अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको किसी और के लिए स्टैंड लेना है, तो आपको लेना चाहिए, और कम्युनिटी धर्म का कोई लिंक है नहीं, जो गलत तो है, गलत है। उस चीज़ को आपको फोकस नहीं करना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, और जहाँ जिस चीज़ को सही किया जा सकता है, वाई नॉट टेक अ स्टैंड, बोलिए आप सही सच के लिए, एंड या दैट्स ऑल।
नाउ टुडे बोथ आर इन भोपाल. भोपाल भी एक इस्लामिक कल्चर को बिलोंग करता है, नवाबों के कैपिटल है. आपका सीरियल भी कुछ मुस्लिम इस्लामिक उसको रिएक्ट कर, कोई प्लानिंग है कहीं जाने का, कुछ स्पेशली खाने का कुछ आप लोगों ने प्लान, मतलब जो आपकी टीम ने या प्रोडक्शन टीम ने कह रखा हो कि आज यहाँ जाए? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे खाने के लिए. देखो किसी भी शहर की जो खूबसूरती है, सबसे पहले खूबसूरती है खाना, उसके बाद उस शहर की खूबसूरती है पहनावा, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ की मिल जाते हैं फिर लोग. तो सबसे पहले खाने ही तो जाएंगे हम, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है प्रोडक्शन वालों ने, अपने पीआर टीम ने, नहीं भी किया है तो हम निकल जाएंगे. अली यहाँ शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ बीट्स का एक पर्स होता है इस्लामिक, जो बेगम्स रखती थी, बीट्स जो होते मोती, उसका पर्स एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड में, दुनिया भर में स्पेशली. सो इफ़ यू टाइम तो ज़रूर आप पुराने शहर जब जाएँ तो ज़रूर उसको आप अपने फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग कर. अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मुझे पर्सेस और अलग अलग तरीके के हैंडबैग्स का बहुत शौक़ है, और मैं कोशिश करती हूँ मैं जहाँ भी जाऊँ अगर वहाँ का कुछ स्पेशलिटी है मैं अपने कलेक्शन में ज़रूर ऐड करती हूँ. सो अगर वक्त मिला मैं कोशिश करूँगी ज़रूर मैं उस चीज़ को अपने साथ लेकर जाऊँ. चलते चलते आई एम भोपाल के फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आई एम भोपाल पे आपको दुनिया भर में देख रहे हैं? आई एम भोपाल के फैंस के लिए थैंक यू सो मच. और सूफियाना प्यार मेरा में नया ट्रैक आया है, सल्तनत और जारून ऐसे मिल गए हैं दोनों के दोनों एक साथ, तो बाकी जो कहेंगी वो मिली कहेगी. सल्तनत फाइनली इजहार करने वाली है जारून से अपनी मोहब्बत का. सो जिस घड़ी का सब ऐसे इंतज़ार कर रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि बोले अभी मुँह से, जो ताला लगा है उसको भी खोले. सो फाइनली इट्स हैपनिंग, और प्लीज़ देखिए हमारा शो, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होने वाली है, कायनात करने वाली है, दोनों की लाइफ में कुछ तो होने वाला है. सो लेट्स सी, आप सबको ज़रूर पसंद आएगा, वॉच आउट. जी कब कब आता है, कितने बजे अपने फैंस? मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे स्टार भारत पर सूफियाना प्यार मेरा ज़रूर देखिएगा. थैंक यू. सो फ्रेंड्स आपने देखा कि राजवीर हैं, हैली हैं, और दोनों आपको इनवाइट कर रहे हैं अपने शो के लिए कि आप ज़रूर देखिए, एक बहुत ही अहम मुद्दे पे, इश्यूज़ पे है. और आई एम भोपाल के फैंस सभी ज़रूर इस शो को देखें और अपना रिएक्शन दें. कैमरामैन गौरव सिंह के साथ मैं प्रिंस गावा.